सरकार ने तो कह दिया अपराध पर अंकुश लगाइए, अब अधिकारी को अपने अधिकार का प्रयोग करके उसको अंकुश लगाना है। टी प्लस घटना है, भूमि से आधारित है। कितने हत्या के जो मामले हैं उसके में भी जमीन के अंदर से खोद के निकाला जा रहा है, चाहे जितना बड़े अपराधी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में जो अपराधी हैं वो पूरे तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं, बता दें कि कल की अगर हम घटना को देखें तो कल गया में 1 करोड़ की बड़ी लूट हो जाती है। वहीं दूसरे तरफ जमीन विवाद को लेकर नालंदा में एक ही परिवार के 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में जहां विपक्ष एक तरफ सरकार पर हमलावर है, इसी क्रम में जब आज हमने बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार से इन्हीं सारी सवालों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार तो हर एक संभव प्रयास कर रही है, ऐसे में अब अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार, पहले आप वो सुने। बात सुनिए, यही तो मैं बता रहा हूँ कि भूमि विवाद में जो ये जान जा रही है, इसीलिए तो भूमि का संरक्षण संवर्धन कर उसे सर्वे करना है, उसका स्वामित्व प्रमाण पत्र देना है कि भूमि विवाद समाप्त हो जाए और जो अपराध और अपराधी की जो घटनाएं हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसमें से आधा से ज़्यादा प्लस 50+ घटनाएं भूमि से आधारित है, तो इसी को संरक्षित संवर्धित करने के लिए हम लोग भूमि का सर्वे करवा रहे हैं, भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिलवा रहे हैं। तो इस दिशा में सरकार प्रयासरत है और काम कर रही है। देखिए, जो भी आपराधिक घटना हुआ है इसके विरुद्ध तो जो विधि संगत है वह सरकार कार्रवाई करेगी ही, जो भी अपराधी हो, चाहे जिस स्तर के अपराधी हो, उनके विरुद्ध तो सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। क्या लगता है सर कि अपराधियों में पुलिस का डर जो खत्म दिखता है, लोगों को गोली मार? एक बात समझ लीजिए, अपराधी चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, पहले अपराधी जो है पकड़ा नहीं जाता था, अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होता था। आज अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी के जो NDA सरकार है, चाहे जितने बड़े अपराधी हो, करोड़ों करोड़ लूट के घटना का भी रिकवरी हो रहा है और करोड़ों करोड़ों हत्या का लाखों कितने हत्या के जो मामले हैं उसके में भी जमीन के अंदर से खोद के निकाला जा रहा है, चाहे जितना बड़े अपराधी हो। पुकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मांग वैसे वैसे सरकार का निर्णय है। यूपी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने जो मॉडल अपनाया है, लगता है कि बिहार में इसकी जरूरत है यदि अपराध को जड़ से खत्म करना है तो? देखिए, ये जो हमारे अधिकारी हैं उनके विवेक पर निर्भर करता है, सरकार इस काम को नहीं करती है, अधिकारी इस काम को करते हैं। सरकार ने तो कह दिया अपराध पर अंकुश लगाइए, अब अधिकारी को अपने अधिकार का प्रयोग करके उसको अंकुश लगाना है। हमेशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर माने दिन इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, आप सब जानते हैं, एक से एक नया बात कह के और अपराध और अपराधी को और शिकंजा कसने का काम हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। अब ये अधिकारी को करना है, इसको कैसे अंकुश लगाएं? तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार, जहां एक तरफ यह कह रहे हैं कि सरकार किन्हीं भी अपराधी को बचाती नहीं है, जितने से भी बड़े वो अपराध कर लें उन्हें पुलिस जो है वो पकड़ने का काम करती है। वहीं दूसरे तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे बिहार में आए दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार की जैसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, तो ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार बिहार सरकार के मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही या दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो ऐसे में पर धरातल की सच्चाई कुछ और ही दिखती है। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।